नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी चैनल पे। तो आज मैं आपके सामने एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें बहुत सारे लोगों के मोबाइल में जो डिस्प्ले सेटिंग है उसमें हैंग हो जाता है, मीन्स कि लेग होता है, जाम होता है, और जो मोबाइल की स्पीड है वो स्लो हो जाती है। तो उस स्पीड जो कम हो रही है वो स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो बेल आइकॉन दिखता है, बेल का, आप उसको टच कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो, टाइम को वेस्ट करते न हुए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद लास्ट आपको देखना है डेवलपर ऑप्शन। अगर आपके मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन नहीं है तो लास्ट जो मेनू है अबाउट फोन, आपको टच करना है अबाउट फोन पे। जैसे ही आप अबाउट फोन पे टच करते हैं ये फोन की डिटेल खुलती है, उसमें आपको जाना है डिवाइस इंफॉर्मेशन। डिवाइस इंफॉर्मेशन खुलने के बाद उसमें आपको नीचे देखना है, उसमें ये देखिए, पहले मॉडल नंबर, एंड्रॉयड वर्जन, हार्डवेयर वर्जन, बेसबैंड वर्जन, और उसके बाद है बिल्ड नंबर। तो आपको बिल्ड नंबर पे टच करना है चार बार, पांच बार। आप जैसे ही टच करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ऑलरेडी डेवलपर हूँ इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो नीड यू आर अ डेवलपर, आप देख सकते हैं। अगर आप डेवलपर नहीं है तो जैसे ही यहाँ पे टच करते हैं यहाँ पे आएगा थ्री बार, टू टाइम, वन टाइम, और लास्ट में आएगा यू आर डेवलपर। जैसे ही आप डेवलपर हो जाते हैं आपको यहाँ से बाहर आ जाना है। अब डेवलपर का मतलब क्या है कि अगर आप डेवलपर बन गए, मींस आप मोबाइल के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। डेवलपर बनने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आपको जाना है डेवलपर ऑप्शन में। जैसे ही डेवलपर ऑप्शन ओपन करते हैं आपको उसके अंदर बहुत सारे मेनू दिखेंगे, आपको कहीं पर भी टच नहीं करना है। याद रखिएगा दोस्तों, आपको कहीं पर भी टच नहीं करना है, आपको जाना है नीचे, और नीचे आप देखिए मेरी जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो है, मैं उसको कैसे फास्ट करके आपको दिखाता हूँ वो आप देख सकते हैं। आपको जाना है नीचे नीचे नीचे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन खुला है विंडो एनिमेशन स्केल, उसके नीचे है ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, और उसके नीचे है एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। आपको उस तीनों के ऊपर अप्लाई करना है। क्या करना है, तो पहले विंडो एनिमेशन स्केल के ऊपर मैं टच करता हूँ तो ये मेनू खुलेगा, ये देखिए। अब उसके अंदर देखिए, पहला है एनिमेशन ऑफ, फिर है एनिमेशन स्केल 0.5x। आपके मोबाइल में होगा एनिमेशन स्केल 1x जो कि बाय डिफॉल्ट होता ही है। तो आपको करना क्या है, आपको ऊपर का जो ऑप्शन है एनिमेशन स्केल 0.5x उसको सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट किया। दूसरे नंबर में ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, उसमें भी आपको 0.5 सिलेक्ट करना है, और लास्ट एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, उसमें भी आपको 0.5 सिलेक्ट करना है। इतना करने के बाद आपको बैक हो जाना है। अब आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल की स्पीड जो है उसमें आपको जरूर से कुछ चेंजेस लगेगा। जैसे कि मैं मेनू खुलता हूँ, अब ये देखिए मेरी स्क्रीन, ये देखिए कितनी फास्ट हो गई है। तो आपका जो काम है वो फटाक से हो जाएगा। जैसे सेटिंग स्लो खुलता था, अभी आप टच करने पर भी आपका जो सेटिंग है ये देखिए फटाक से खुल जाएगा, फटाक से ऊपर, फटाक से नीचे। तो एक बार दोस्तों, अगर आपकी स्क्रीन लेग या जाम हो रही है तो एक बार ये जरूर अप्लाई कीजिए। आई होप कि आपको ये बहुत ही काम में आएगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट मैं बहुत ही जल्दी और भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।